आधी चमची अजवैन, दो चुटकी नमक, एक प्याली मैदा, दो चम्मच घी डालेंगे। इसे मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। इसे सेम आटे की तरह गूंद लेंगे। इसे मैंने अच्छी तरह गूंद लिया है, आप देख सकते हैं। इसे मैंने ज्यादा नरम नहीं किया, इसे इतना ही नरम रखना है। कवर करके 15 मिनट के लिए रख देते हैं। उबले हुए 4 पीस आलू लिए ने मैंने। इसे मैश कर लेंगे। इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह मैश कर लिया। आधी प्याली पत्ता गोभी डाल लेंगे बारीक कटी हुई, आधी प्याली शिमला मिर्च डाल लेंगे बारीक कटी हुई, 2 चम्मच मायनेस डाल लेंगे, 3 चम्मच केचप डाल लेंगे। आधी चमची नमक डाल लेंगे, नमक अपने, 1 चमची सुर्ख लाल मिर्च, आधी चमची गरम मसाला। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब चीजों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसे साइड में कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, मैदा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसका रोल बना लेंगे। आप इसे छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। इसके ऐसे छोटे छोटे पेड़े बना लेने सबके। सबके मैंने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए ने। आप इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। ये वाली रोटियां भी इसी तरह तैयार कर लेनी है। सब रोटियों को मैंने तैयार कर लिया है।
ऐसे ही इसकी रोटियां तैयार की है, बहुत ही बारीक वाली की है, पतली वाली की है। सब रोटियों को मैंने एक साथ रख लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा ना, इसके नीचे मैंने मैदा छिड़क लिया, मैदा लगा लिया, ये आपस में चिपकेगी नहीं। जो हमने मसाला तैयार किया है उसके ऊपर वो लगा लेंगे, रोटी के ऊपर लगा लेंगे। इससे कम ज्यादा लगा सकते हैं आप, इसे थोड़ा सा ना इधर से फोल्ड कर लेना ऐसे, इसका ना ये वाला मुंह भी बंद कर देना, इधर से भी बंद कर देना, दोनों साइडों में मैंने बंद कर दिया, इधर से भी, अब इसे भी बंद कर लेंगे। ये किनारों वाली साइड ना अच्छी तरह बंद करना, मसाला हमारा बाहर ना निकले। अब इसका स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। अब किनारों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्प्रिंग रोल हमारा कितना ही अच्छा बना है। ये बहुत ही आसान तरीका है स्प्रिंग रोल बनाने का, आप जरूर इस तरीके से एक बार ट्राई करें। सबको इसी तरह तैयार कर लेंगे, सब स्प्रिंग रोल को मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब स्प्रिंग रोल को फ्राई कर लेंगे। फ्राई के लिए ऑयल लिया मैंने, ऑयल को 1 मिनट तक अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसे स्टिक के साथ चेक कर लेंगे। अब इसमें स्प्रिंग रोल डाल लेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसे 1 मिनट तक एक साइड से पकाना, फिर उठा लेना, मीडियम से भी हल्की आंच पर पकाना है, तेज आंच पर पकाएंगे तो ये जल जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है ये स्प्रिंग रोल बनाने का। माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्प्रिंग रोल हमारे तैयार हो चुके हैं, इसे बाहर निकाल लेंगे, इसे प्लेट में डाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं स्प्रिंग रोल हमारे कितने ही अच्छे बने हैं। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे बने हैं। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।